Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss some problem on Cauchy-Riemann equation. So let's talk about the questions. So there are three questions. पहला question है वो पूछा गया है 2018 में विद्यापीठ के exam में. So that fz equal real of z is not a differentiable. तो हमें ये show करना है कि कोई function है जो equal है real of z के is not a differentiable. Real of z means एक तरह से जो हम z मानते हैं z equal x plus iy, तो इसके केवल real part है. तो अगर हम real of z लिखते हैं तो वो होता है simply x. तो ये हम discuss करेंगे. ये differentiable नहीं है. उसके बाद हमारा next question है, prove that the function fz equal to mod of z is nowhere differentiable. The function fz equal mod of z is nowhere differentiable. मतलब वो किसी भी point पर differentiable नहीं है. ये भी हम question करेंगे. ये question पूछा हुआ है 2014 में, और उसी के साथ एक और question discuss करेंगे जो 2015 में पूछा हुआ है. Prove that the real and imaginary parts of an analytic function satisfy Laplace equation. तो हमें ये शो करना है कि जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है किसी भी एनालिटिक फंक्शन का, जैसा कि हम मानते हैं एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी, तो इसमें यू को हम मानते हैं रियल पार्ट और वी को मानते हैं इमेजिनरी पार्ट, तो वो दोनों जो पार्ट हैं वो सेटिस्फाई करेंगे किसको, लाप्लास के इक्वेशन को. लाप्लास का इक्वेशन हम जानते हैं होता है एक तरह से डेल टू यू इक्वल टू ज़ीरो या डेल टू वी इक्वल टू ज़ीरो, इस तरीके से, चाहे वो दो डायमेंशन में हो या फिर थ्री डायमेंशन में हो. तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो 2015 में पूछा गया है. दैट इज़ अ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से, इसी क्वेश्चन से. तो मान लेते हैं कि जो हमारा फंक्शन है कुछ इस तरह से है, लेट एफ जेड बी ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन सच दैट एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी, ठीक है. और इसको हम ये भी मान लेते हैं कि इट इज़ आल्सो एनालिटिक फंक्शन. ये हमें गिवन है कि जो एनालिटिक फंक्शन है उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमें शो करना है कि वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो हमें इससे क्या पता चल जाता है, इससे हमें ये पता चलता है कि वो सी आर इक्वेशन का पालन करेगा. क्योंकि इसका रिवर्स सोचें तो जो सी आर इक्वेशन का पालन करते हैं उसको हम एनालिटिक फंक्शन भी बोलते हैं. तो एनालिटिक फंक्शन हमें पता है इसका मतलब वो सी आर इक्वेशन का पालन करेगा. तो इट इज आल्सो तो एफ जेड इक्वल यू प्लस आई बी एंड इट इज आल्सो एन एनालिटिक फंक्शन सो इट मस्ट सेटिस्फाई द सी आर इक्वेशन. So it must satisfy the Cauchy-Riemann equation. That is, तो Cauchy-Riemann equation क्या था, del u by del x equal to del v by del y and del u by डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स. ये था हमारा Cauchy-Riemann इक्वेशन, ठीक है. तो हमें ये शो करना है कि जो हमारा यू और वी है यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट जो है वो यू है और इमेजिनरी पार्ट वी है, तो वो सेटिस्फाई करेगा लाप्लास को. तो हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन वन और टू मान लेते हैं. तो लाप्लास के लिए हमें सेकेंड डेरेवेटिव निकालना होता है, तो हम क्या करें, सबसे पहले ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,
वी गेट, तो अगर हम वन को एक्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू इक्वल टू डेल टू यू डेल टू वी, डेल टू वी ये हमारा वी है, डेल एक्स और डेल वाई। और उसी तरीके से जब हम इक्वेशन टू को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो क्या मिलेगा हमें, सो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू वाई वी गेट, तो ये हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल माइनस डेल टू वी अपॉन डेल एक्स और डेल वाई। ठीक है, इसको मान लेते हैं थ्री और इसको मान लेते हैं इक्वेशन फोर। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम यूज़ करेंगे, अगर इन दोनों का हम सम करें तो ऑन एडिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर, ऑन एडिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते हैं तो राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो सही रहेगा। एडिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर वी गेट, इससे हमारा टाइम बचेगा, सो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, तो लेफ्ट वाला साइड हम लेफ्ट के साथ ऐड कर रहे हैं और ये वाला साइड राइट में। अब यहाँ देखिए एक सेम चीज़ प्लस में है और वही चीज़ यहाँ पे माइनस में है, जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, तो ये शो कर रहा है एक तरह से लाप्लास इक्वेशन, शो कर रहा है यू के लिए, तो दिस टर्म या दिस इक्वेशन शोज the real part of an analytic function satisfy Laplace equation। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि जो हमारा real part है u, u क्या है, रियल पार्ट है और हमारा भी जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो ये इक्वेशन शो कर रहा है कि जो रियल पार्ट है वो लाप्लास इक्वेशन का पालन कर रहा है। तो उसी तरीके से फिर हम दिखा सकते हैं भी के लिए भी, हमें इमेजिनरी पार्ट के लिए भी दिखाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और इस इक्वेशन को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जस्ट उल्टा जो हमने यहाँ पर किया है ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ हम वाई के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, तो जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल डेल टू वी अपॉन डेल वाई टू। और उसी तरीके से इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फाइव, जब इक्वेशन टू को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल माइनस डेल टू वी अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा और इधर हो जाएगा डेल एक्स डेल वी एक्स टू। ठीक है, तो अब हम अगर इसी इक्वेशन से फाइव माइनस सिक्स कर दें, अगर इसको हम सिक्स मान लेते हैं तो अगर हम फाइव माइनस सिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये प्लस हो जाएगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सिक्स फ्रॉम फाइव, सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सिक्स फ्रॉम फाइव वी गेट, हमें क्या मिलेगा, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेम हैं, तो हम माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। तो अब जो ये इक्वेशन आ रहा है ये भी लाप्लास इक्वेशन को शो कर रहा है, लाप्लास इक्वेशन को किसके लिए, इमेजिनरी पार्ट के लिए। तो ये जो इक्वेशन है
हम सेम इसी तरीके से लिख सकते हैं कि ये रियल पार्ट के लिए था और ये हमारा लाप्लास इक्वेशन है इमेजिनरी पार्ट के लिए। तो लाप्लास इक्वेशन फॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, सो ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम सबसे पहले फंक्शन को ही ले लेंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, उसमें रियल और इमेजिनरी हमें दो पार्ट मिल जाएगा। उसके बाद अगर वो एनालिटिक है तो वो सी आर इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो हम सी आर इक्वेशन लिख लेंगे। और सी आर इक्वेशन हमारा ये है, ये हमें याद होना चाहिए। उसके बाद हम इसको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में दोनों को ऐड करेंगे तो रियल मिल जाएगा। उसी तरह इसका रिवर्स करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में और सेकेंड इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में, देन उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट में हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं जो 2014 में पूछा हुआ है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड इज़ नो वेयर डिफरेंशिएबल, मतलब वो किसी भी पॉइंट पर, जेड के किसी भी पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं इसका सलूशन। तो वी नो दैट for differentiability differentiability के लिए क्या होना चाहिए, तो differentiability के लिए f dash so exist करना चाहिए। सपोज करें कि किसी पॉइंट z नॉट पे, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, z tending to z नॉट f of z माइनस f of z नॉट। लिखा हुआ थोड़ा सा ना क्लियर हो तो अब सुनिए क्या चीज़ें बोला जा रहा है। तो f of z माइनस f of z नॉट अपॉन z माइनस z नॉट। यहाँ पे कंडीशन होती है z इज़ नॉट इक्वल टू z नॉट, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये एग्जिस्ट करना चाहिए और इसकी यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए z के हर पॉइंट पे। यही हमारा डिफरेंशिएबल की कंडीशन है कि जो फंक्शन हो हमारा उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो z के हर एक पॉइंट पर उसकी वैल्यू यूनिक आनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको निकालते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो f dash z not equal to, so f of z plus h minus f of z not, और इसको लिख सकते हैं z not plus h minus z not, ठीक है। इसको हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो गिवन है, गिवन फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड इक्वल मॉड ऑफ जेड। तो यहाँ से तो ये ऐसा कुछ साइड का काम नहीं है, ये सारी चीज़ें आप क्वेश्चन में दिखाएंगे। हमारे पास इधर ही स्पेस था तो हमने इधर यूज कर लिया। सो एफ ऑफ जेड प्लस एच जब हम करेंगे,
तो हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ जेड प्लस एच, क्लियर। तो वही वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, सो दिस विल बी जेड नॉट प्लस एच मॉड ऑफ जेड नॉट प्लस एच माइनस मॉड ऑफ जेड नॉट, ऐसा ठीक है। अपॉन ये सिंपली यहाँ पे क्या बचेगा, एच, ठीक है। वन सेकेंड, तो ये हमें मिल गया एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू दिस वन। अब हम इसी लिमिट को चेक करते हैं किसी पॉइंट पर, सपोज करिए जेड नॉट इक्वल टू जीरो पर, सो लेट एनी पॉइंट जेड नॉट इक्वल टू जीरो, सो ये लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो। अब हम देखना चाह रहे हैं कि इसके लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो यूनिक आती है कि नहीं आती है। तो अगर हम जेड इक्वल टू जेड नॉट इक्वल ज़ीरो पर चेक करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मॉड ऑफ एच माइनस इधर ये ज़ीरो जाएगा और अपॉन में एच, हमें फाइनली मिल गया लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो मॉड ऑफ एच अपॉन एच, ठीक है। तो चूंकि हम कम्प्लेक्स फंक्शन में काम कर रहे हैं तो जो हमारा एच होगा वो कम्प्लेक्स टाइप का होगा, कम्प्लेक्स नंबर टाइप का। तो हम ले लेते हैं कि जो हमारा एच है वो है एक तरह से एच वन प्लस आई एच टू, इस तरीके का जो एच है वो कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि हम सारी चीज़ें कम्प्लेक्स में बात कर रहे हैं। तो जो हमारा एच भी होगा, जो बहुत मिनिमम वैल्यू हम मानते हैं जब हम यहाँ लेते हैं, तो लेकिन तो वो हमारा कम्प्लेक्स फंक्शन के रूप में होगा, तो वो ऐसा होगा। तो जब हम इसका मॉड निकालेंगे, मॉड ऑफ एच, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच वन स्क्वायर प्लस एच टू स्क्वायर, दैट इज़ मॉड्यूलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, एच वन स्क्वायर प्लस एच टू स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ से हमें मिल रहा है लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो मॉड ऑफ एच मीन्स एच वन स्क्वायर प्लस एच टू स्क्वायर, और इस एच को हमने माना है एच वन प्लस आई एच टू, ठीक है। तो अब हम यहाँ कुछ कंडीशन लगा के इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे मान लें कि इफ़ एच टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी अगर इसका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है, फिर हम सोचेंगे अगर रियल पार्ट ज़ीरो हो तो क्या आता है। तो अगर हम इमेजिनरी पार्ट को ज़ीरो करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, ये हमारा एच वन हो जाएगा और अपॉन में ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा, ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा, एच टू वाला दोनों टर्म ज़ीरो होगा, तो केवल एच वन अपॉन एच वन आएगा और यहाँ से हमें वैल्यू मिल रही है वन। तो जब हम इमेजिनरी पार्ट को ज़ीरो ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, वन। अब हम दूसरा चेक करते हैं, इफ़ एच वन इक्वल टू ज़ीरो देन लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, एच है एच टेंडिंग टू ज़ीरो, तो अगर एच वन ज़ीरो होगा तो यहाँ से क्या बाहर आएगा, एच टू, तो दिस इज़ एच टू और नीचे क्या है, आई एच टू, आई इंटू एच टू, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल रही है वन बाई आई। तो सिंपली हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमें लिमिट की वैल्यू मिल रही है वो दो मिल रही है, ये जो दोनों वैल्यू है वो सेम नहीं है, ये क्या है, ये यूनिक नहीं है, नॉट यूनिक। तो चूंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू हमें कुछ मिल रही है, लेकिन एक वैल्यू वन आई है और दूसरी आई है वन अपॉन आई, दिस इज वन अपॉन आई, वन अपॉन आई। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन यूनिक नहीं है, तो चूंकि यूनिक नहीं है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये डिफ्रेंशिएबल नहीं है। तो हमें एक चीज़ मिल गया कि ये z इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो दिस शोज दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट z ज़ीरो या एट z नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एट एनी पॉइंट इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। जब किसी ज़ीरो पॉइंट पे नहीं है तो वो किसी भी पॉइंट पे नहीं होगा, तो हम इसी तरीके से वैसे ही लिख देंगे
कि इस तरह से हम और भी दिखा सकते हैं कि ये किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो हमारा ये थ्योरम भी प्रूफ हो गया कि प्रूफ दैट द फंक्शन इज नो वेयर डिफरेंशिएबल। तो अगर हमने एक भी पॉइंट दिखा दिया तो समझ लीजिए कि वो किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर वो जेड नॉट इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी पूरा हुआ। यहाँ कोई किसी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, हम दोबारा उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, इतना कुछ कठिन नहीं है, सारी बेसिक चीज़ें बस पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट एफ जेड इक्वल टू रियल ऑफ जेड इज़ नॉट अ डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो हमें ये शो करना है कि जो एफ जेड है विच इज़ इक्वल टू रियल ऑफ जेड, और ये एक तरह से हो गया रियल, और हम जेड को लेते हैं ऐसा कम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई। तो लिख सकते हैं कि रियल ऑफ एक्स क्या, रियल ऑफ जेड एक तरह से हो जाएगा हमारा, या ऐसा ना लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, रियल ऑफ जेड मीन्स हो जाएगा एक्स, सिंपल रियल ऑफ जेड, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जेड होता है वो एक्स प्लस आई वाई होता है, वेयर रियल ऑफ जेड इक्वल टू एक्स एंड इमेजिनरी ऑफ जेड इक्वल टू होता है वाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम आसानी से इसको दिखा सकते हैं। अब हमें अगर डिफरेंशिएबल दिखाना है तो हम चाहें तो वो कॉची रिमान के इक्वेशन से भी दिखा सकते हैं। तो कॉची रिमान का जो इक्वेशन था उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। हमें ये फंक्शन मिल गया एफ जेड इक्वल एक्स, और एफ जेड को हम मानते हैं u प्लस आई वी इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अगर हमें डिफरेंशियल करना है तो सी आर इक्वेशन, और सी आर इक्वेशन के लिए हमें पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए कुछ, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स एंड डेल वी बाई डेल वाई। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। तो हम अगर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमें डेल यू बाई डेल एक्स मिल सकता है। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, हमको मिलेगा डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, एंड डेल वी इक्वल टू डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर इसी को हम वाई के रिस्पेक्ट में करें, ये तब आएगा जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसी इक्वेशन को वाई के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ हम चाहें तो लिख सकते थे ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई वी गेट, जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो जो सी आर इक्वेशन है हमारा वो होता है डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, लेकिन यहाँ जो दोनों वैल्यू आ रही है वो अलग अलग आ रही है। ठीक है, तो अलग अलग आने का मतलब ये है कि ये बराबर आपस में नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो अगर उसका पहला इक्वेशन फेल हो रहा है तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम यहीं से बोल देंगे कि जो गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम बड़े आराम से जो एफ जेड हमारा गिवन होगा वहाँ से हम निकाल लेंगे रियल ऑफ जेड क्या होगा, तो वो हो जाएगा एक्स। फिर एफ जेड को हम यू प्लस आई वी के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ यू एक्स वाई का फंक्शन है और वी भी एक्स वाई का फंक्शन है। तो अगर हम इसको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करें और उसको फिर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और ये दोनों वैल्यू आपस में सेम नहीं है। तो चूंकि ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए
ये जो फंक्शन है इज नॉट अ डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, न समझ में आए तो आप कमेंट करिए, हम दोबारा इसको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये समझ में आ जाएगा, इतना कुछ नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन और थ्योरम लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।